चारों तरफ से घेर रखा है और मुर्गियों की इज्जत लूट रही है और मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो रही है। रावण और मैंने गांव को शमशान घाट और कब्रिस्तान बना दिया है। फसल बर्बाद हो गई रावण, फसल बर्बाद हो गई। कलयुग आ गया है मेरे दोस्त कलयुग। बड़े क्या कहें, जब पाप का भाव भर जाता है तो पापी का नाश करने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। चल चल मेरे यार, तेरे जख्मों को खुशियों से भर दूं। देख देख हमारी हमारी खेती किस तरह ला रही है। देख सब माता का बर्ताव है बुरन। अगर मेरा दोस्त रहीम जिंदा होता फिर देखते हम दोनों की मेहनत क्या रंग लाती। कसम से सोने पे सुहागा हो जाता। रहीम के बेटे सुल्तान को अपनाकर तुमने सोने पे सुहागा कर दिया और एकता की मिसाल कायम कर दी है। अरे भैया, मेरे लिए जैसा मेरा बेटा संग्राम है वैसे सुल्तान। एक आंख संग्राम, दूसरी आंख सुल्तान, एक गीता एक कुरान, इसे कहते हैं दोस्ती। वरना आजकल कौन किसी की औलाद को पालता है। कैसी बातें करते हो पूरन, ये किसी का बच्चा थोड़ा ही है, ये तो मेरे दोस्त का बच्चा है और पालनहार तो ऊपर वाला है। सच कहते हो धानु भैया, भगवान ने इन बच्चों को पालने का इंतजाम भी कर दिया। फिर प्रभु की लीला देखो कि तेरे खेतों में धान ही धान हो गया। क्या कहा, धानु के खेत में धान ही धान, तो फिर हो गया धनवान। उसकी तो लड़की भी हो गई है जवान। जवान जी, बिल्कुल जवान। तो फिर हो गया कल्याण, इधर फसल जवान, इधर सरदार की लड़की जवान, तो क्यों तैयारी। सरकार का फूल सा चेहरा मुरझा गया है। हाँ, पहले खाना तो खा लो। देखती नहीं, खाना मुंह तक पहुंचने से पहले उसे छीनने के लिए कुत्ता आ गया है। आ गया तो क्या हुआ, हम तो भगवान है, इसे छोड़कर मत जाओ। भगवान, इस अन्न भगवान को तो फिर मिल लूंगा, पहले उस धरती के भगवान को तो मिल लूं। मालिक, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। धानु, अरे ओ धानु, प्यासे ही कुएं के पास जाता है, तेरा ढक्कन बंद हो कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। धानु जीता है धानु, शाबाश शाबाश। अगर इसी तरह तू दिन रात हाथों मेहनत करता रहा तो अपने बुजुर्गों का कर्जा चुका के मरेगा जी, चुका के। हाँ मालिक, मैं तो खुद ही आपके पास एक विनती करने आ रहा था। धानू, तुम्हारे लिए तो मेरी जान आती है, तुम्हारा ढक्कन बंद हो लेकिन पैसे की बात मत करना। मालिक, बात तो पैसे की ही है, आप जानते हैं मेरी बेटी दुर्गा सयानी हो गई है, उसकी शादी में थोड़े दिन बाकी है। अगर आप इस साल ब्याज की रकम ना लें तो मैं अगले साल अपना सब कुछ बेचकर आपकी पूरी रकम चुका दूंगा। मालिक, इकलौती बेटी की शादी है, कुछ ना कुछ देकर तो ही विदा करना पड़ेगा। शुक्र है कि किसी ने सुना नहीं। तुझे मालूम नहीं मूर्ख, हमारी सरकार ने दहेज लेना देना दोनों बंद कर दिया है। तेरा ढक्कन बंद हो, अगर कानून के खिलाफ कोई काम करेगा तो अंदर हो जाएगा। मालिक, हम भूखे गरीब अपनी बेटी को क्या दहेज देंगे, पर फिर भी बेटी को खा
खाली हाथ तो नहीं भेज देंगे, तीन कपड़े तो देने ही पड़ेंगे माले। अरे वाह धानू वाह, तू चाहता है कि दुर्गा की शादी हो और मेरी बर्बादी। कोई बात नहीं मालिक, अगर हम गरीबों की खून पसीने की कमाई आपके जीवन का सहारा है तो मैं इतना नीच नहीं कि वो सहारा छीनूंगा आपसे। आप ले लेंगे अनाज, सब कुछ ले लें, मैं ये समझूंगा कि मेरी अभागन बेटी की किस्मत में शादी है ही नहीं। कविता, कब तक तू हम गरीबों का खून चूसता रहेगा? याद है तुझे, 2 साल पहले तूने हमें 500 रुपए दिए थे और उसके बदले आज तक 2000 वसूल कर चुका है, फिर भी 3 साल बाकी है, तो हर तुझ पर, तुझे और रुपए चाहिए ना? ये ले मेरे शादी के कंगन, ये ले। कहना तो नहीं चाहिए पर मजबूर, ये तेरी नियत अब भी नहीं भाई, तेरी गलती नजर मेरे मंगलसूत्र पे है, मेरे सुहाग की निशानी पर है, तो ले ले भगवान ने चाहा तो मेरा सुहाग सलामत रहेगा। नहीं नहीं मां नहीं, कमीनो, मेरे सीता जी, मेरी सुहागन मां को अभागन बनाना चाहते हो? नहीं, जब तक राजा जिंदा है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दुर्गा की शादी सर पे मंडरा रही है, पता नहीं कैसे कब कहां से होगा,
मैं सोचता हूँ कहीं कुछ और काम, कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। मैं भी आपके साथ काम करूंगी। तुम काम करोगी इस हालत में? पागल हो गई हो? साथ फिर इकट्ठे नहीं लिए थे, मिलजुल कर काम करेंगे तो बोझ हल्का हो जाएगा। माँ, क्या कहा माँ? मैं बोझ हूँ क्या? कोई लड़की अपने माँ बाप के लिए? जबकि मुसीबत के दिनों मुझे आपका साथ देना चाहिए, आप मुझे घर से निकालने की फिक्र में है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप ये समझिए आपके तीन लड़के नहीं चार लड़के हैं। माँ, अगर आपने मेरी शादी के बाद फिर की, मैं कह देती हूँ माँ कि मैं अपनी जान दे दूंगी। आंसू, मेरी बहन दुर्गा की आंखों में आंसू नहीं, मेरी बहन तेरी डोली उठेगी और जरूर उठेगी। नहीं भी उठी तो क्या हुआ भैया? नहीं मेरी बहन, ऐसा नहीं कहते। लानत ऐसी औलाद पर जो बुढ़ापे और बहन का सहारा ना बन सके। भैया, तुम्हारे कहने पर हमने कितनों के ढक्कन बंद किए और कितनों के खोल डाले, और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा भूपत सिंह मूर्तियां चुराने का काम कितनी सफाई से कर डालता है। हम लोग आपके कहने पर बेगुनाह लोगों का खून तक करते हैं। तीन गांजे का धंधा तुम्हारा किशन ही करता है जमींदार। चुराई हुई मूर्तियां और तमाम नजायज चीजों को ठिकाने लगाने वाला काम तुम्हारा प्रताप ही तो करता है।
अरे तुम्हारा ढक्कन बंद हो, आज का काम सब कामों से अलग है। अलग है तो फिर बताओ क्या कर रहे हैं? याद है धानु की लड़की दुर्गा, जिसे आज तक हवस की नजर से देखते आए हो? पर भगवान की कसम सीता, तुम्हारी रुकावट ने हमें प्यासा रहने पर मजबूर कर दिया। तो बुझा लो प्यास, मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है, बिल्कुल छुट्टी है। धान के घर में आग लगा दो, सारे खानदान का ढक्कन बंद कर दो। कहाँ गई है? ओफो, टोक दिया। किसी को जाते वक्त नहीं टोका करते, पूरा होता है। मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। तुम तो जानती हो हमारे घर में एक साथ कितनी खुशी आई है। हमारे खेतों में भी पानी आने वाला है और आज राखी है। एक बात भूल गई कि आज तेरा भैया दहेज भी लाने वाला है। काला टीका लगा ले बेटी, किसी की नजर न लग जाए। एक साथ इतनी खुशियाँ बड़े भाग्य से मिलती है। अरे मिलेंगी क्यों नहीं मौसी, माता रानी जो हमारे साथ है। दुर्गा माता मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी में हूँ। मेरा भैया शहर से आता होगा, मुझे उसे राखी बांधनी है। शंकर भोलेनाथ, आपकी दया से हमारे खेत में भी पानी आ गया होगा। जय दुर्गा माता। देखो माँ देखो, मैं अपने दुर्गा बहन के लिए क्या क्या लाया हूँ। माँ लाल लाल साड़ी, लाल लाल चूड़ा, पूरे दीप का सामान लेकर आया हूँ। माँ पर कसम खा माँ, बापू को ये सब चीजें नहीं बताऊंगी। बापू जब ये सब चीजें देखेगा ना तो खुशी से फूला नहीं समाएगा। माँ मैं अभी आया माँ। क्या बोल लल्लू, खत्म नहीं आ रहा भैया, जल्दी जाओ खेत में, धानू का घर को कुछ लोग मार रहे हैं। ये पकड़ो होता है बेटा। गलती कर बेटा, वो पापी हमारा घर जलाने गए हैं। गलती कर बेटा, गलती कर। भैया भैया नहीं,
सैया कहो रानी सैया। नहीं नहीं भैया ऐसा मत कहो, तुम लोग इंसान हो, शैतान मत बनो, कहीं कहीं ऐसा ना हो माँ की तलवार उठ जाए और फिर देखो मेरी शादी होने वाली है। तो फिर बड़ी खुशी की बात है, हर जवान लड़की की शादी तो होनी ही चाहिए, और फिर हम भी तो शादी ही के लिए आए हैं। नहीं नहीं भैया मैं तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगती हूँ। हम भी तो प्यार की भीख मांगने आए हैं मेरी जान। मेरा भाई वहाँ इंतजाम करता होगा, आज राखी है ना, मुझे उसे राखी बांधनी है। ये तो हमें भी मालूम है मेरी जान, पहले हमारे साथ प्रेम बंधन कर लो, उसके बाद जाकर भाई को राखी बांध देना, हमने कब रोका है। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मेरे इंतजार में घर में सब भूखे बैठे होंगे। हम सब भी तो यहाँ भूखे हैं मेरी जान, फर्क सिर्फ इतना है वो वहाँ रोटी के भूखे हैं और हम यहाँ तुम्हारे प्यार के। गांव की तरफ ना भाग ले पाए।
राज को संभालो। पगली कहीं की मरने से पहले कह रही थी कि अपनी इज्जत की रक्षा के लिए तुम्हारे सामने अपना सर फोड़ती रही, पर तुमने उसकी रक्षा नहीं की। क्या ये सच है माँ? और फिर कह रही थी ऐ पत्थर के देवी देवताओं, क्या अपनी संतान की इज्जत को लुटते हुए देखते रहोगे? क्या अपनी संतान की लाश को नहीं बचाओगे? क्या ये भी सच है माँ? पर माँ मैंने उसे कह दिया, नहीं तो पाप लगेगा, ऐसा मत कह, माँ गुस्से में आ जाएगी। माँ के राज में देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी बहुत बुलंद है पर बे आवाज है। मैंने उसे सच कहा ना माँ? पर माँ इसका फैसला तो तुमको ही करना पड़ेगा ना, जब तक उन राक्षसों को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा नहीं करूंगा तुम उनका नाश नहीं करोगी, कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे राज में देर है या अंधेर? माँ अगर तुमने इंसाफ ना किया तो पता है क्या होगा, लोगों का तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, तुम्हें ये गद्दी खाली करनी पड़ेगी, यहाँ राक्षसों का राज होगा। पर हाँ माँ, ये मेरी बहन की जो राख है ना, ये राख नहीं, मेरी बहन दुर्गा है, दुर्गा। मैं इसलिए इसको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ ताकि रात दिन इसकी रूह तुम्हारे इर्द गिर्द हंसती रहे और तुम्हें याद दिलाती रहे कि तुम्हारे राज में देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं, देर है। जानते हुए भी बताओगे, जरूर बताओगे।
नहीं पता था, तुम जरूर बताओगे। पूछो क्यों? क्योंकि अपना खून खून होता है और दूसरे का खून पानी। बताओ। मैं सिर्फ एक आदमी को जानता हूँ, बेला बेला दुर्गा किशन। बेला दुर्गा किशन। सरकार सरकार सर, हमारी अमेरिका बढ़ रहा है। कहते हैं जब गीदर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अपने अपने मोर्चे संभालो, दुश्मन की लाश भी यहाँ के जानी नहीं चाहिए। जाओ। मुझे अभी कोई नहीं मार सकता, मुझे अभी बहुत काम करने हैं।
ये एहसान नहीं तो और क्या है भैया। आज मुझे इस वर्दी में देखने के लिए तुम 6 साल तक यही फटी हुई कमीज पहनते रहे। अरे पगले, भाइयों में भी कोई एहसान होता है क्या? तुम लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मां ने पाल पोस कर बड़ा किया, मैं ऐसे भी एहसान कहूंगा क्या? बड़ी अरे पगली, अगर भगवान से कुछ मांग नहीं है ना तो ये मांग कि तेरा भैया अपनी माँ, अपने भाई और बहन की खिदमत में अपनी सारी उम्र गुजार दे। संग्राम, या खुदा की कसम, भगवान की कसम, जो औहदा तुझे सरकार ने दिया है ना, उस औहदे की शान को कायम रखना, अपने खानदान का नाम रोशन रखना। मेरे भाई, अगर तूने ये सब कर दिया ना तो तेरे भाई सुल्तान की छाती चौड़ी हो जाएगी। मेरे लिए अल्लाह और भगवान तो आप ही है भैया। कसम है मुझे अपनी माँ और बहन की, और कसम है आपके इस प्यार की, मैं इस औहदे को हमेशा बरकरार रखूंगा। ये खुशी दुगनी हो जाती अगर आज जानू का कहा अब्बा और राजा भैया से। अब तू मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर, मैं तो यहाँ प्रताप सिंह के लिए आया था, लेकिन तूने आज से बचा लिया। पर याद रखना, वो जालिम एक न एक दिन अपने किए की सजा जरूर पाएगा। चलो मैं कहता हूँ। मेरे बेटे ने कानून तो हाथ में नहीं ले लिया? तो बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, कानून कोई तो हाथ में लिया है, तभी तो दुश्मनों की होश उड़ा दिए। हाय राम, घर में भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, अब क्या होगा? अरे होगा क्या माँ, इसके टेढ़े कानों को सीधा करना पड़ेगा। अरे बेटा, इस नटखट्टे से मुझे तंग कर दिया, मुझे बता तो सही तूने किया क्या, कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे माँ, जिसके सर पर अल्लाह का हाथ हो, तुम जैसी माँ का प्यार हो, संग्राम भैया और इस नटखट का साथ हो, उसे भला क्या चोट लगेगी माँ। नमस्ते लाला जी। अरे आओ सुल्तान भाई आओ, भाई तुम दोनों भाइयों की जोड़ी सलामत रहे, इसकी मिसाल दुनिया में कायम रहे। भाई वाह, क्या डट के लड़े हो, उस दिन तुम और संग्राम डाकू का मुकाबला न करते तो आज गाँव का सत्यानाश हो गया होता। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है लाला जी। लाला जी जी, मैं आपके पास एक अर्ज लेकर आया हूँ। लाला जी, आप तो जानते हैं कि मेरी लक्ष्मी जवान हो गई है और आए दिनों में उसकी शादी होने वाली है। लाला जी, मैं आपके पास इसलिए आया था कि अपना घर गिरवी रखकर आपसे कुछ कर्ज ले सकूं, ताकि अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर सकूं। सुल्तान भाई, तुम तो लक्ष्मी की शादी आज भी बड़ी धूमधाम से कर सकते हो। वो कैसे लाला जी? भगवान कसम, जब से लक्ष्मी को देखा है अभी तक कुआरा बैठा हूँ। हराम साधे कमीने, मेरी बहन के बारे में तेरे से गंदे ख्याल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने, तुम अमीरों ने हमेशा हम गरीबों का मजाक उड़ाया है, काश मेरा भाई संग्राम इंस्पेक्टर ना होता तो आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके इस धरती का बोझ हल्का कर देता। आए थे मेरी कुर्की कराने और करवा बैठे अपनी कुर्की। अरे मैं कहता हूँ जल्दी से आके रिपोर्ट लिखवा दो, कहीं ऐसा ना हो कि रात में तुम्हारा ढक्कन बंद हो जाए। अब मुझे ही कहना पड़ रहा है, यार यार के काम आता है। नहीं, ऐसा हल्के से नहीं हो सकता, मेरा भाई ऐसी धमकी बिल्कुल नहीं दे सकता। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपनी जान की डर से आपके पास रिपोर्ट लिखवाने आया था। साहूकार, तेरा ढक्कन बंद हो तू वैसे का वैसे जा। अरे इंस्पेक्टर साहब जो फरमा रहे हैं ठीक ही तो फरमा रहे हैं, सुल्तान अहिंग का भाई है, भाई का लिहाज भाई नहीं करेगा तो मैं करूंगा। जमींदार का कानून के सामने भाई बहन माँ बाप सब बराबर हैं, कानून का पलड़ा हमेशा बराबर रहा है और रहेगा।
हाँ तो बिल्कुल चुप कर, संग्राम के आते ही मैं दवा लेने चला जाऊंगा। मेरी कुर्की कराने आया था ना, अपनी कुर्की कराने। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। क्या हुआ जमींदार साहब? सरकार भाई भाई के काम आ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे यार का ढक्कन बंद हो गया, सुल्तान से मार डाला उस बंदूक से जो आपने उसे इनाम में दी थी। नहीं, ऐसा हल्के नहीं हो सकता। हो गया चलो मेरे साथ। का लोभी है और नाम का कन्हैया।
और मेरे पीछे पता है क्या है, बहुत बड़ी ताकत, ना कोई उसे सुन सकता है ना कोई उसे देख सकता। चलो मैं तुमको उसके दर्शन करवाऊं, चलो मैं कहता हूं चलो, मैं कहता हूं चलो। अरे ऐसा ना रो, इन्हें आ भेजा बाहर, आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा जी। देख कमीनो, अपनी जूती से नहीं, मेरी मखमली जूती से। अरे मुझ पर मिट्टी का तेल डाल दो, मुझे जला कर राख कर दो। कर देंगे जी, बिल्कुल कर देंगे जी। लेकिन हजूर इसकी वजह क्या है, क्या वजह है? वो रंगा नहीं, दंगा है, दंगा। दंगा है जी? ये दंगा के बच्चों, वो राजा है, मेरी मौत का फरिश्ता, वो राजा भी है, दंगा भी है। है जी, बिल्कुल दंगा है। पर ऐसा क्यों है जी? असली लड़ाई की जड़ तो मैं हूँ, और वो इस जड़ को काटने के लिए जरूर आएगा, हमेशा हमेशा के लिए मेरा ढक्कन बंद कर देगा। ढक्कन बंद नहीं होगा जी, बिल्कुल ढक्कन बंद नहीं होगा जी। कैसे? वो अपनी बिटिया सरला है ना जी, वो संग्राम से प्यार करती है, बिल्कुल प्यार करती है जी। प्यार? मैं माँ पापी हूँ, मेरा ढक्कन बंद हो, मैं माँ पापी हूँ। जमींदार बहन जी, मुझे माफ कर दो, ये लो अपनी जमीन के कागजात, ये लो। ये आज कौन सी अनोखी बात हो गई, तुमने तो हमेशा हम लोगों पर जुल्म किए हैं, हमारी जमीने छीन ली, हमें घर से बेघर कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहन जी, बहुत शर्मिंदा हूँ, वाकई मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अन्याय किया, लेकिन अब मैं पश्चाताप की आग में जला जा रहा हूँ, माफ कर दो बहन जी, माफ कर दो। मैं समझी नहीं, तुम चाहते क्या हो? मैंने तो अपने बच्चों तक को नहीं बताया कि हम पर क्या बीती है। बहन जी, मेरी बेटी सरला आपके संग्राम से प्रेम करती है। मैं जानती हूँ। तो मैं विनती करता हूँ बहन जी, उसे अपनी बहू बना लो। तुमने जो अन्याय हम पर किए है उसका न्याय तो भगवान करेगा, हम अपने बच्चों को उसकी सजा क्यों दें? तो बहन जी कह दीजिए कि रिश्ता आपको मंजूर है। मंजूर है। देवी आप देवी है, देवी। क्या ये सच है जमींदार कि तुमने अपनी बेटी की सगाई इंस्पेक्टर के साथ कर दिया? हाँ भाई, ये बिल्कुल सच है, वरना मेरा ढक्कन बंद हो जाता। क्यों भाई से? जी बिल्कुल बंद हो जाता। हो जाता जी, जरूर हो जाता। हाँ सुना, तुम्हारा ढक्कन तो बंद होने से बच गया जमींदार, लेकिन मेरे बारे में तुमने क्या सोचा है? देख भाई बग्गा, मैं तो साफ बात करता हूँ, आज तक मैं तुम लोगों के लिए सोचता रहा, तुम ही लोगों को माला माल करता रहा, अरे अपने लिए तो आज तक सोचा ही नहीं, लेकिन अब सबको अपनी अपनी सोचनी होगी, सबको अपने अपने ढक्कन का ख्याल रखना पड़ेगा। जमींदार तो बग्गा की भी साफ साफ सुन लो, अगर तुम हमेशा के लिए मुझसे नाता तोड़ना चाहते हो तो 4 दिन के अंदर मुझे 20 लाख रुपया दे दो, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, वरना। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा ढक्कन बंद हो गया। क्या हुआ जमींदार साहब? मेरी बेटी और तुम्हारी होने वाली दुल्हन को गाड़ी को उठा ले गया और बदले में 20 लाख रुपए से मांगी है। 20 लाख रुपया? बेटे 20 लाख की कोई परवाह नहीं है, अपनी होने वाली दुल्हन को बचा लो, चाहे मेरा ढक्कन बंद हो जाए। आप फिक्र न कीजिए जमींदार साहब, बग्गा को मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। बेटे उसने रुपया पहुंचाने का ठिकाना शायद काली गुफा बतलाया था, शायद वही उसका अड्डा हो, ऊपर मंदिर भी है बेटे। मजा आ गया सदर, मजा आ गया। अबे मुच्छर, सदर हंसने की बात ही है, चोरों पे घर चोर, नरे पे नरे।
वो भी पराया नहीं अपना। अबे किसने चुराया, क्या चुराया, क्या बकरा? किस अपने पराये की बात कर रहे हो यार? अरे सुल्तान भाई, वो जो जिम्मेदार है ना, आज तक दूसरों की लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता रहा, आज उसकी उसकी लड़की को बगा डू उठा के ले गया। अब वो भी शादी के मंडल से पहले। क्या कहा? शादी के मंडल से पहले ही? आज जिम्मेदार की लड़की की शादी इंस्पेक्टर संग्राम से होने वाली थी। मेरे भाई की शादी? फिर सोच के रहे हो, फिर करो तैयारी। एक तरफ से तुम घेरा डालो और दूसरी तरफ से पूरी छानबीन के बाद मैं छुया पहाड़ी के पास डाकोटे का पता लगाने में कामयाब हो गया हूं सर। आप और जल्दी भेजिए। वाह, कितनी खुश नसीब हो तुम जो बग्गा की आंखों ने तुम्हें पसंद किया। क्या कहा? यही तेरी दो आंखें निकालकर नजराने की तौर पर तेरे हाथ में दे दूंगी कुत्ते। तू भी तो एक नजराना है मेरी जान। जब तक तेरा बाप 20 लाख रुपए मेरे हवाले नहीं कर देता, तू मेरे पास नजराने के तौर पर रहेगी। भगवान दोनों के दर्शन किए।
अगर सुल्तान मेरा वक्त न समझते तो मेरी जरूरत चुकी होती। लेकिन तुम्हारे कानून को इसके लिए भी सबूत की जरूरत होगी। बेड़ा गर्क किया है। तुम्हारे कहने पर हमने उसकी बहन की इज्जत लूटी, उसके बाप का खून किया। तेरा ढक्कन बंद हो, आहिस्ता बोल आहिस्ता। दीवारों के भी कान होते हैं, अगर इसी तरह हम आपस में लड़ते रहे तो हम दोनों का ढक्कन बंद हो जाएगा। अब समझदारी इसी में आए कि इस खतरे से बाहर होने का रास्ता सोचो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता ना आएगा, सास तो मेरी काम करेगी। अब मेरी समझ में जो आता है वो सुनो। अब अपने पास सिर्फ दो पत्ते हैं, अगर हमने उन पर काबू कर लिया तो बाजी यूं बदल सकती है, यूं बदल सकती है। दो पत्ते? अरे तेरा ढक्कन बंद हो, उसकी बहन लक्ष्मी, उसकी माँ पार्वती। समझ गया, ये तो काम मेरे बाएं हाथ का है। आपकी शतरंज की चाल को हाँ मान गए सरकार? बिल्कुल मान गए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम्हारा ढक्कन बंद हो, तुम क्या कर रहे हो? एक चाल में साहूकार मारा गया आपके हाथों से और पकड़ा गया बेचारा सुल्तान। हाँ, और दूसरी चाल में दोनों का बेड़ा गर्क हो गया। उसकी बड़ी बेटी दुर्गा की बर्बादी के बाद सारा खानदान तबाह हो गया, सारा खानदान। जी हाँ, आज उसकी बेटी लक्ष्मी के बारे में। बेटी मुझे बेटी, आज मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है, जान लिया है। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बाप इतना नीच हो सकता है। तुमने बेगुनाह को मुजरिम बना लिया, तुमने मासूम लड़कियों की इज्जत बटवा दी, तुमने मुझे भी उस बेटी के हवाले कर दो जिसे तुम भूपत कहते हो। खेलने दो मेरी इज्जत से। क्यों शर्मा गए? इसलिए कि मैं तुम्हारा खून हूँ, बेटी हूँ। जरा सोचो, जिन लड़कियों की तुमने इज्जत जुटवा दी वो भी तो किसी की बेटी थी। क्यों चुप हो गए? लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं चिल्ला चिल्ला के कहूंगी, पुकार पुकार के कहूंगी कि मेरा बाप मुजरिम है, खूनी है, कातिल है। मैं आज सब कुछ जाके सरकार से कहूंगी। हाँ मैंने कैसा माफ है, अपनी बेटी का भी नहीं हुआ। नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं हुआ। बेटी घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं ना। ये सब कैसे हो गया? मेरी गैर हाजिरी में इतनी बड़ी वारदात हो गई और आप लोग कुछ न कर सके। सर इतना मिलते ही हम मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। संग्राम, मेरा सर शर्म के बारे झुका जा रहा है। इस पर फसाद की जड़ मेरा बाप है, जो गांव का जमींदार है, जो गांव वालों का रक्षक की बजाय दक्षक बन चुका है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने तो अपने बाप के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत की है, करोड़ की मदद की है। अब हम भी कुछ नहीं छुपाएंगे जी, बिल्कुल कुछ नहीं छुपाएंगे। ऊपर वाले की कसम, भूपत का अड्डा छुईया पहाड़ी पे है जी, छुईया पहाड़ी पर। हाँ
भैया
अपने हथियार फेंक दो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। कमीने तो बंद कर दिया, पर मेरा ढक्कन बंद मत करना। सबू तुम तो देख ही रहे हो, अपनी औलादी मेरा ढक्कन बंद करने पर तुरी हुई है। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। सुल्तान, आज उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? धरती का ये भगवान ऊपर वाले भगवान से भीख मांग रहा है। कहां है वो तेरे साथी? कहां है वो तेरे कंधे जिन पर तुझे बड़ा नाज था? बोल बोल बोल। जब उन्हें मालूम हो गया कि मेरा ढक्कन बंद होने वाला है, तो अपना ढक्कन बचाने के लिए तुम बनाकर भाग खड़े हुए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? चढ़ावा चढ़ा दे, चढ़ावा। क्या कहा? चढ़ावा? हाँ, जिस दौलत को तूने गरीबों का खून चूस चूस कर जमा किया है, जिस दौलत से तूने ये भगवान की सोने की मूर्ति बनाई है, उस दौलत का चढ़ावा चढ़ा दे जमींदार, शायद भगवान राजी हो जाए। पर हाँ, दौलत से भगवान और अल्लाह नहीं खरीदे जा सकते जमींदार, फिर भी तू आसमां के देख ले। तू ठीक कह रहा है बेटे सुल्तान, मैं तो भूल ही गया था। अरे रुपए से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज खरीदी जा सकती है। लोग के लिए रुपए क्या है? ठीक है सुल्ताना बेटे। और लोग सुल्ताना बेटे, और लोग सुल्ताना बेटे, और लोग बस समीदार बस। सुल्ताना बेटे, अब तो सब ठीक हो गया ना? अब तो मेरा ढक्कन बंद नहीं होगा ना? समीदार, तुझे गरीबों की आह लग गई है। उनके नोटों ने भगवान की आंखें भी बंद कर दी है, ताकि वो तुझ जैसे राक्षसी मौत भी ना दे सके। देख जमींदार, देख अपनी आंखों से देख। जमींदार, वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था। मरने के लिए तैयार हो जा, तेरी मौत से धरती का बोझ भी हल्का हो जाएगा और राक्षस का नाश भी। नहीं सुल्तान, तुम इसे नहीं मार सकते। ये कानून का मुजरिम है, इसके खिलाफ सब सबूत मिल चुके हैं, अब इसे कानून ही सजा देगा। लेकिन आज मैं इसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखा संग्राम, आज तुम्हारी वजह से ये मेरे हाथों से बच निकला। बच कर कहां जाएगा? लेकिन मेरे भाई, राजा, माँ, मेरा राजा, माँ, राजा बेटा, माँ, मेरा बेटा, माँ, दुर्गा को मां ने अपनी शरण में ले लिया। मां, मैं अपनी बहन दुर्गा को तो दुल्हन के रूप में नहीं देख सका मां, पर आज तक उसकी अमानत मेरे पास है मां। वो क्या बेटा? ये देखो मां, शादी की लाल लाल साड़ी, लाल लाल चूड़ा। आप इन सब चीजों को मेरी बहन लक्ष्मी पहनेगी माँ। और देखो माँ, ये राखी मैंने बहुत सालों से संभाल कर रखी थी माँ, इसको भी लक्ष्मी बांधेगी माँ।
हाँ माँ, मेरा भाई संग्राम, मेरे बच्चे। संग्राम, देखा तुमने, माता रानी ने मेरे सारे फर्ज पूरे कर दिए। लो मेरे भाई, अब तुम अपना फर्ज पूरा करो। ये भी कैसा फर्ज है, आज मैं अपने बड़े भाई को मिल रहा हूं, वो भी हथकड़ी पहनाने के लिए। अरे बेटा, हम लोगों को यहां क्यों ले आया? बताता हूं मां, बताता हूं, पहले आंखें तो बंद करो। अब तक तेरी बचपन की आदत नहीं गई, वो आंखें बंद कर ली। तुम लोग भी आंखें बंद कर लो बेटा। मां, आंखें खोलो मां। राजा बेटा, मां, सुल्तान बेटा, मां, लक्ष्मी, ये सपना है ना? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सपना नहीं, सच्चाई है मां। मेरे भाइयों की वजह से इस इलाके के सब डाकुओं का खात्मा हो गया, इसलिए सरकार ने इनकी सजा माफ कर दी। क्या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हम सब बिछड़े हुओं को दोबारा मिला दिया। मोहम्बे मां जगदम्बे तू शक्ति का अवतार, मोहम्बे मां जगदम्बे तू शक्ति का अवतार, मोहम्बे मां जगदम्बे तू शक्ति का अवतार, मोहम्बे मां जगदम्बे तू शक्ति का अवतार।